दीमक किसने बुरी तरह से लकड़ी को खा चुकी है, आप देख रहे हैं, ये देखिए ये दीमक ने इस लकड़ी को बिल्कुल खत्म कर दिया है, और अब से नहीं, ये बहुत समय से खा रही है लकड़ी की, जो देखिए एक एक परत आप निकाल सकते हैं इस तरीके। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो साथ ही हम लाए आपके लिए एक और नई वीडियो। तो गाइस अभी मैं यहाँ फ्रेमिंग का काम कर रहा हूँ, और अभी फ्रेमिंग मैं पहले दिखा देता हूँ, इससे पहले की जो कंडीशन है वो भी मैं बताऊँगा आपको, इससे पहले इसकी क्या कंडीशन थी। लीजिए ये जो निकला हुआ मलबा है, देखिए गाइस दीमक कितनी बुरी तरह से लकड़ी को खा चुकी है, आप देख रहे हैं, ये देखिए ये दीमक ने इस लकड़ी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, और अब से नहीं, ये बहुत समय से खा रही है लकड़ी की, जो देखिए एक एक परत आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। देखिए आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा लकड़ी को किस तरीके से दीमक ने ख़त्म किया है। इसमें ये देखिए ये फ्रेम लगे हुए थे, तो फ्रेम का जो MDF है ये तो सेफ है, लेकिन ये लकड़ी को पूरा ख़त्म कर दिया है, देखा आप, इस तरीके से ख़त्म कर दिया है। तो गाइस ये मैं जो है यहाँ पर नए तरीके से बना रहा हूँ अभी, ठीक है, नए सिरे से मैंने इसको फ्रेम को पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा तैयार किया, अभी इसमें काम बाकी है जो कि चल रहा है। तो गाइस वीडियो देखने के बाद आपको पता लग ही गया होगा कि बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब होने की वजह से हमने वो फ्रेमिंग का सारा ख़त्म करके हटा के पूरा, क्योंकि दीमक ने बहुत बुरी तरह से यहाँ की कंडीशन ख़राब कर दी थी लकड़ी की, तो लकड़ी पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अब लकड़ी में ना बनाकर मैंने इसको प्लाई बोर्ड बनाया है, प्लाई में 19 mm की प्लाई बनाया है। दोस्तों 19 mm की प्लाई में हमें फायदा रहता है कि एक तो दीमक जल्दी से ख़त्म नहीं कर पाती उसे, और सेफ भी बनी रहती है। तो गाइस ये फ्रेम मैंने बनाकर तैयार कर दिया है, मेरे पीछे देख रहे हैं अलमारी, ये पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, और ये फ्रेम मैंने न्यू तरीके से बनाया है, लेकिन ये सेम मैंने इसी में मैच कर दिया जैसे पहले था। तो देखिए दोस्तों आप देख रहे हैं जैसा ये पहले फ्रेम बना हुआ था सेम उसी तरीके से फ्रेम बनाया है, और ये पल्ले इनके पुराने पल्ले थे जो कि पल्ले मैंने इसी में लगा दिए हैं। पहले फ्रेम को दीमक पूरी तरह से खा चुकी थी, लेकिन मैंने जो फ्रेम बनाया वो प्लाई में बनाया है, तो प्लाई का फ्रेम है काफ़ी ज़्यादा वैसे मजबूत रहता है प्लाई का फ्रेम, और कभी भी आगे अगर आप बनवाते हैं तो प्लाई का फ्रेम बनवाइएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो दोस्तों मैं यही समाप्त करता हूँ, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नमस्कार दोस्तों।